नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT कंसेप्ट में। आज हम हाजिर हैं आपके लिए लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 4 लेकर के। पहले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था, तीसरे पार्ट में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, ये चौथा पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन दैट मींस ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर रहेगा? ऑक्सीजन का या फिर CO2 का, फूड मटेरियल्स का, या फिर जो भी है जिस चीज का भी है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए हमारे पास एक जो ब्लड है वो रहेगा। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड ट्रांसपोर्ट कर सकता है फूड को भी, ऑक्सीजन को भी, वेस्ट मटेरियल को भी। ब्लड जो है कंसिस्ट ऑफ है फ्लूइड मीडियम। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मीडियम रहता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा के अंदर सेल्स रहती हैं, जिसके अंदर मतलब प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स रहती हैं सस्पेंडेड रहती हैं। तो ब्लड जिसको रक्त बोला जाता है, खून बोला जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है और भी बहुत कुछ है। तो ऑक्सीजन जो है वो कैरीड कर ली जाएगी किसके द्वारा? RBC के द्वारा। मैंने पहले बताया था RBC दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दैट मींस लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि ब्लड ओनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड आपका फूड भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और आपके साल्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मैंने स्पेशल लिखा साल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। अब अगर बॉडी साइज लार्ज होगा जैसे ह्यूमन बींग्स, तो उसके अंदर हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिएगा। क्या चाहिएगा? पंपिंग ऑर्गन। और ये पंपिंग ऑर्गन हमारे अंदर या फिर किसी और के अंदर, जिसका भी बॉडी साइज कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उसके अंदर जो पंपिंग ऑर्गन कहलाता है दैट इज हार्ट, दिल, हृदय। अब हालांकि हम बात कर रहे हैं पहले ह्यूमन बींग्स की, हमारे अंदर जो दिल है, हार्ट है, दैट इज उसके बारे में हम बात करेंगे, तो मस्कुलर ये है, दैट मीन्स मांसपेशियों का बना हुआ है, मस्कुलर हार्ट है। और इसका साइज अगर देखा जाए तो एज बिग एज आवर फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी रहती है, बंद मुट्ठी के आकार का इसका साइज रहता है। जितनी हमारी बंद मुट्ठी है उतने साइज का हमारा दिल रहता है, हार्ट रहता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बनाया भी है। क्या किया है? बनाया भी है। फिर हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करें तो 4 चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर्स हैं, कक्ष हैं, जिसको हम मस्कुलर ऑर्गन है, साइज हमारे बंद मुट्ठी के आकार का है। 4 चैम्बर हमारे हार्ट के अंदर हैं, दैट मीन 4 कक्ष हमारे हार्ट के अंदर हैं। 2 अपर चैम्बर कहलाते हैं, 2 लोअर चैम्बर कहलाते हैं। अपर चैम्बर में अब लेफ्ट और राइट का चक्कर रहेगा, लेफ्ट और राइट, उसी प्रकार लोअर में भी लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट ऊपर वाले जो चैम्बर कहलाते हैं उनको अट्रिया बोला जाता है, अट्रियम बोला जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम हो गया और राइट एट्रियम हो गया। उसी प्रकार जो नीचे वाले चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, राइट वेंट्रिकल्स हो गया। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये वाला जो है, ये वाला आप देख पा रहे बोर्ड के ऊपर, मेरा जो राइट है वो यहाँ पे लेफ्ट है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, मेरा जो राइट है वो यहाँ पे लेफ्ट है। इसका मतलब मेरा राइट ये है, इसका मतलब ये क्या है? लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे, 2+2 = 4 चैम्बर, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, उसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, हम सारों का अभी पढ़ेंगे। अब डिफरेंट चैम्बर इसलिए है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, जो बॉडी पार्ट्स के पास जाना है, इसका मतलब ये हुआ कि उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, जो इम्प्योर ब्लड है, उससे अलग रखना पड़ेगा। अगर उससे अलग रखना पड़ेगा तो मेरा कहने का मतलब है हमारे हार्ट के डिफरेंट चैम्बर इसलिए दिए गए
ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स ना हो सके। जैसे देखिएगा यहां पे एक बात समझाई गई है छोटी सी है, वो डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद CO2 रिच ब्लड। जो मैंने बात बताई वही है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिल सके, इसलिए हार्ट की डिफरेंट चैम्बर है। और दोनों के दोनों, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो CO2 हो, दोनों ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा, रक्त के द्वारा। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मान लेते हैं हार्ट हमारे पास है। ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट के अंदर से जो CO2 रिच ब्लड है, दैट मीन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, दैट मीन जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स के पास आ गया। लंग्स क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिमूवल कर देगा। लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड बचा, दैट मींस जो प्योर ब्लड बचा, दैट मींस जो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा वो जाएगा हार्ट के पास। और अब हार्ट क्या करेगा, हालांकि ऑक्सीजनेटेड है, प्योर है, शुद्ध है, तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, इसको पंप कर देगा टू ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के सारे अंगों के पास, सारे ऑर्गन के पास इसको हार्ट पंप कर देगा ब्लड को। ठीक है जी, थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं जो हमने वहां पे समझाया अभी अभी, वही बात अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रफली अगर हम देख लें, तो मान लेते हैं ये हार्ट है हमारा, जिसके अंदर चार चैम्बर्स हैं, ये राइट लेफ्ट राइट और वेंट्रिकल्स भी हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये चार चैम्बर्स यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। ठीक है, वॉल्स इनके अंदर रहती हैं ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो। ठीक है, तो होता क्या है, आर्टरी और वेन्स ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टरीज वो हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज वे हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएंगी, ठीक है, बॉडी पार्ट के पास। ठीक है, और वेन्स वो हैं जो बॉडी पार्ट से ऑक्सीजनेटेड, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर के आएंगी लंग्स और हार्ट के पास। ठीक है, तो यहां पे पल्मोनरी जो आर्टरी रहती है वो उसका उल्टा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन जिसके अंदर CO2 है वो लेकर के जाएगी लंग्स के पास। अब लंग्स उसको क्या कर देगा, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा हार्ट के अंदर। अब हार्ट क्या करेगा, जो मेन धमनी है जिसको मेन बोला जाता है, मेन आर्टरी, ओर्टा इसको बोला जाता है, ओर्टा बोल सकते हैं, आर्टा बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें आपकी मर्जी है, aorta। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है, ये बॉडी कैपिलरीज मैंने थोड़ी बहुत बना दी है, बॉडी कैपिलरीज के अंदर से अब जो मतलब यहाँ पे प्योर आ गया, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा ले जाएगी कहाँ पे, हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर फिर से जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन हार्ट के पास, ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है ब्लड का, ब्लड के पंपिंग कैसे कर रहा है हार्ट, हार्ट कैसे काम कर रहा है। मैंने बताया हार्ट के अंदर चार चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन, आर्टा दैट इज मेन आर्टरी, वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये सेप्टम है जो इनको डिवाइड करता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच भी वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी वाल्व है। वाल्व क्यों होती हैं, उनका काम भी हम पढ़ेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। लंग्स जो है फेफड़े, वहां पे क्या है, हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है, क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। या फिर हम थोड़ा सा यहां से उठा लेते हैं, चाहे यहां से उठा लो, कहीं से उठा लो, हमें आकर के वहीं पे रुकना है। लंग्स जो है जहां पे ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड
आएगा थिन वॉल्ड, ये देखिए थिन वॉल्ड दैट मींस वॉल्ड पतली है, बहुत ही जरूरी, अपर चैम्बर की हर्ट की लेफ्ट साइड में। आप लेफ्ट साइड में जाइए, ये वाला लेफ्ट साइड है, ठीक है, क्या है लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आप देखिए लंग्स के थ्रू पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी जो वेन है, हालांकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेगी, ये बात मैंने पहले बताई थी। तो लंग्स के अंदर से, मान लेते हैं यहाँ पे लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर से, ये लंग्स था, लंग्स के अंदर से पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग्स के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग्स के अंदर, पल्मोनरी वेन उसको कहां पे ले आई, लेफ्ट अट्रिया के अंदर ले आई, लेफ्ट अट्रिया के अंदर ले आई। और लेफ्ट अट्रिया हो चाहे राइट अट्रिया हो, इनकी जो वाल्व रहेंगी वो पतली रहेंगी एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। क्यों पतली रहेंगी मैं अभी बताने वाला हूं। अब जैसे ही लेफ्ट अट्रिया, जो ऊपर का लेफ्ट अट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा और सारा का सारा जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। और अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ये थी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जो ब्लड है वो आपका बाहर जाएगा, आउट टू द बॉडी, बाहर जाएगा, बॉडी के पास जाएगा। अब बॉडी के पास वो ब्लड गया, अब यहाँ पे जितना यूज होना था हो गया। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मान लेते हैं यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स है, अब बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाला यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स मान लिए हमने, बॉडी ऑर्गन्स है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए ये ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी कहां पे चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, वाया पल्मोनरी आर्टरी कहां पे चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो यहां पे एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड था, ऑक्सीजन रिच ब्लड अब आया लेफ्ट अट्रिया के अंदर, लेफ्ट अट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउट टू द बॉडी, बॉडी के पास अब वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से हो गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेशन के लिए फिर से गया लंग्स में। ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। एक बात याद रखनी है, जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ब्लड बाहर निकलेगा, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं लगाएगा तब तक ब्लड बाहर नहीं निकल सकता। ये आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये सारी की सारी साइकिल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख लीजिए, अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हमने यहाँ पे बताया गया है, बनाया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक बात मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा, मेरे को मजा आ रहा है बताने में और मैं बताना भी चाहता हूं, बताना भी चाहिए क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। ये साइकिल मैंने आपको समझा दी, ठीक है, मैं क्या बता रहा था, दो तीन क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो उनका सभी का आंसर यहाँ पे है। और हाँ, मैं ये गारंटी लेता हूं कि बोर्ड के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मेरा पढ़ाया हुआ जितना भी है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स जो मैं बता रहा था have to pump blood in various organ, so have thicker wall than atria. ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेंट्रिकल्स की वाल मोटी क्यों होती है एज कंपेयर टू अट्रिया, तो उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है कि वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है वो वेरियस ऑर्गन के पास पंप करना पड़ता है, इसलिए उसकी वाल जो है थिकर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाल्व क्यों है, वाल्व इसलिए है, वाल्व अनश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन अट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स,
वाल्व इसलिए है ताकि मिक्सिंग अप ना हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पे अगर वाल्व नहीं होगी तो हो सकता है कि ब्लड मिक्स हो जाए, इसलिए वाल्व जरूरी है। सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड यूजफुल सो दैट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डोंट मिक्स, इसलिए राइट साइड का और लेफ्ट साइड का सेपरेशन भी जरूरी है ताकि ब्लड मिक्सिंग ना हो। सेपरेशन जो है वो अलाउ करेगा, सेपरेशन अलाउज हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि सेपरेशन ही अलाउ करता है हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की बॉडी के पास, जो कि यूजफुल है एनिमल्स में, उन एनिमल्स में जिनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिएगी? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो कि मैमल्स के अंदर आता है, इनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इनको ज्यादा जो है एनर्जी चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, हमने बताया ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है, थोड़ा सा और एनिमल्स की अगर बात करें, फिशेज की अगर मैं बात करूं, मछलियों की अगर मैं बात करता हूं, तो उसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट है, हार्ट के अंदर 2 चैम्बर है, और जो ब्लड है वो पंप किया जाएगा गिल्स के पास जाएगा ब्लड, और गिल्स के अंदर यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पे? बॉडी के पास। तो वन वे साइकिल है, दैट मींस ब्लड जो है वो गिल्स के पास गया, गिल्स के अंदर ही ऑक्सीजनेटेड हुआ, और गिल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड होकर के अब जो प्योर ब्लड है वो बॉडी के अंदर चला गया, दैट मींस गोज वंस ड्यूरिंग वन साइकिल। एक साइकिल में एक बार ही ब्लड गिल्स के पास पहुंचता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने क्या देखा था कि ब्लड जो है अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ब्लड जो वो दो बार पहुंचता है, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। डबल सर्कुलेशन की ह्यूमन बींग्स में अगर लिखने को आता है तो हमने जो पूरा बताया था साइकिल, वो साइकिल पूरी लिख करके आप बता देंगे कि जो ब्लड है वो ट्वाइस दो बार जाता है एक साइकिल में, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि किसके थ्रू क्या हो रहा है, तो दो चीजें मैंने यहाँ पे आर्टरीज और दूसरी है वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज वो है जो कैरी करेंगी ब्लड को अवे। इस पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, इस पॉइंट पे अवे पे हम फोकस करेंगे, अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन। अब देखो, हार्ट से दूर जा रहा है खून, हार्ट से दूर जा रहा है रक्त, हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, इसका मतलब बॉडी ऑर्गन के पास जा रहा है। अब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के पास अगर ब्लड जाएगा तो इसका मतलब वो ब्लड किस प्रकार का है? ऑक्सीजनेटेड है, प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसकी बजाय अगर हम बात कर लेते वेन्स की, तो वेन्स के अंदर ये देखिए टुवार्ड्स पे फोकस करेंगे, वहां पे अवे था या फिर टुवार्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा, बॉडी ऑर्गन से ब्लड उठाया जाएगा और वो हार्ट के अंदर जाएगा, ये काम वेन्स का। अब हार्ट के अंदर जाएगा तो वो कैसा जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाएगा, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे जाएगा। लेकिन एक बात छोटी सी याद रखेंगे, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन बट परंतु पल्मोनरी जो आर्टरी है, मैन जो हार्ट की आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उल्टा रहेगा, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा रहेगा। तीसरी बात जो हमें यहाँ पे आर्टरी और वेन्स के बारे में देखनी है वो क्या है? आर्टरीज की जो वाल्स हैं,
आर्टरीज की जो वाल्स हैं वो मोटी रहेंगी। कैसी रहेंगी? मोटी रहेंगी, इलास्टिक रहेंगी, क्योंकि आर्टरीज के अंदर प्रेशर जो है ब्लड का ज्यादा रहेगा। प्रेशर कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो आर्टरीज की वाल थिकर रहेंगी, इलास्टिक रहेंगी। अब प्रेशर ज्यादा है इसलिए, और यहाँ पे इतनी ज्यादा थिक नहीं रहेंगी क्योंकि ये अंडर लो प्रेशर है वेन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेन्स के पास वाल्स होती हैं जो ब्लड का फ्लो करेंगी एक डायरेक्शन के अंदर। वेन्स के पास वाल्स होती हैं जो ब्लड का फ्लो करेंगी एक डायरेक्शन के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने डिस्कस किया आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर। अब जो आर्टरीज हैं वो कलेक्टिंग हो करके क्या करेंगी? स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स बना देंगी, स्मॉलर वेसल्स बना देंगी। और उन वेसल्स को बोला जाता है कैपिलरीज। उन वेसल्स को क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। कैपिलरीज कुछ नहीं है, कैपिलरीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है छोटे छोटे, जैसे हमारे डेली लाइफ में हमने देखा होगा तौलिए को उठा लो आप, उसका एक कोना पानी के अंदर भिगो दो और वो पूरा गिल्ला हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर कैपिलरीज सिस्टम है। तो यहाँ पे भी आर्टरीज जो है स्मॉलर वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिनको कैपिलरीज बोला गया, और कैपिलरीज के अंदर वाल है जो कि वन सेल थिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपिलरीज की वाल ओनली वन सेल थिकनेस होगी। ठीक है, ओनली वन सेल थिकनेस होगी। अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो एक्सचेंज होना है बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग, ब्लड के अंदर और सराउंडिंग के अंदर, सेल टेक प्लेस अलोंग दिस वॉल, क्योंकि इसी वॉल के थ्रू एक्सचेंज होगा ब्लड का। दैट मींस ब्लड का मतलब मटेरियल का एक्सचेंज, ब्लड और जो बाहर का हमारा सराउंडिंग है उसके बीच में, जैसे ये ब्लड है उसके नीचे सराउंडिंग है, बीच में एक वॉल रहेगी वन सेल्ड थिक, यही वाली वॉल जो मैंने बताई। ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, अब ये कलेक्ट हो करके वेन्स बना देंगी। क्या बना देंगी? वेन्स बना देंगी, वेन्स बना देंगी। और वेन्स क्या करती हैं? कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन और टिश्यू, ऑर्गन और टिश्यू से ब्लड को दूसरी जगह ले जाएंगी। कन्वे द ब्लड ब्लड को ले जाएंगी अवे फ्रॉम ऑर्गन, ऑर्गन से दूर और टिश्यू से दूर। लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बात आप भी सोच सकते हैं। मैंने बताया आर्टरीज अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज हाई प्रेशर में रहती हैं। अब हाई प्रेशर में है तो फट भी तो सकती हैं, कहीं ना कहीं लीकेज भी तो हो सकता है, कई बार ब्लड आता है, हमने देखा है जैसे भी चोट लगती है तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल 11th एंड 12th में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच विल रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। अब अगर लीकेज होगा कहीं से तो वो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, उससे एफिशिएंसी प्रेशर की कम हो जाएगी। इसीलिए ब्लड के अंदर एक स्पेशल चीज है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, एक स्पेशल सेल जिसको प्लेटलेट्स बोला जाता है, आम भाषा में लोग इसको घाव में प्लेट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स बोला जाता है, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स यहाँ पे बोला जाता है, ब्लड हैज प्लेटलेट सेल। प्लेटलेट जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती रहती है और जहां पे भी लीकेज दिखाई देता है वहां पे ये क्लोटिंग बना देती है। दैट मींस एक ब्लड का थक्का जमाने का काम करती है, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर से मटेरियल फाइबर सीक्रेट किया जाता है, थ्रोम्बिन फाइबर आपका सीक्रेट होता है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो सर्कुलेट करती रहती है बॉडी के अंदर एंड प्लग दिस लीकेज, लीकेज को प्लग दैट मींस जोड़ देती है बाय हेल्पिंग टू क्लोट ब्लड एट पॉइंट ऑफ इंजरी, और वो पॉइंट ऑफ इंजरी पे ब्लड क्या हो जाएगा, हमारा वहां पे थक्का जम जाएगा। इसलिए अगर ब्लड मतलब कई बार इंजरी हो जाती है तो वहां पे खून आता है, थोड़ी देर के बाद वहां पे हमारा थक्का जम जाता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया प्रेशर आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है। वो होता
क्या है प्रेशर वो हम डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। पढ़ाई को दोस्तों मजा लेकर के पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन ना लो, नाराज मत हो यार, हम है ना। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल, वो फोर्स वो प्रेशर जो ब्लड लगाएगा किस पे, ब्लड की वेसल्स पे, उसकी वॉल्स पे, उसकी वॉल्स पे, उस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं बीपी, कहते हैं इसका बीपी हाई हो गया, इसका बीपी लो हो गया, वो क्या चीज है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। और एक बात और याद रखनी है, जो बीपी है वो आर्टरीज का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स, आर्टरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा वेन्स से, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अब दो टर्म और आती हैं, एक आता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक आता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्या होता है ये हमें याद करना है। सिस्टोलिक देखिएगा, सिस्टोलिक का याद कर लेना कॉन्ट्रैक्शन, क्या याद करोगे कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोलिक का याद करना रिलैक्सेशन, क्या याद करोगे रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टोलिक देखते हैं, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी, आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर ये याद रखना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, दैट मींस जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो ब्लड जो आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और ये होता है 120 mm of Hg, दैट मींस मरकरी, 120 mm मरकरी का। उसी प्रकार जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा, जब ये रिलैक्स होंगी उस प्रेशर को बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, और ये रहेगा 80 mm of Hg, दैट मींस 80 mm मरकरी का। सॉरी दोस्तों, इसलिए जब बीपी हाई बोलते हैं इसका मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से ज्यादा हो गया है। बीपी लो बोलते हैं इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर 80 से कम हो गया है, तो ये बात याद रखेंगे। फिर आता है कि बीपी को मापा कैसे जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा कैसे जाता है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, मैं फिर से बोलता हूँ स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाएगा। अब कई बार क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, दैट मींस हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन, क्या बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोला जाता है। क्योज्ड बाई, क्यों होता है, बाई कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स विच रिजल्ट इन, जब आर्ट्रियोल्स का कंट्रक्शन होगा विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो के अंदर अब क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड दैट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी, उससे क्या होगा आर्टरी फट जाएगी, और आर्टरी अगर फटेगी तो इंटरनल इंजरी होगी। इसका मतलब हाइपरटेंशन हमें याद करना है। हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, आर्टरियोल के कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, इसके कारण क्या हो सकता है रेजिस्टेंस पैदा कर देगा जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी के अंदर। अगर अब रेजिस्टेंस पैदा होगा तो रप्चर ऑफ आर्टरी होगी, पहली बात तो ये, अगर अगर रप्चर होगा तो इंटरनल इंजरी होगी, दैट मींस बॉडी के अंदर डैमेज होगा। ये हमारा ब्लड के ब्लड प्रेशर हमने पढ़ा, हार्ट पढ़ा, उसके मतलब जो भी उसका ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा। एक दोस्तों टिश्यू है जिसको बोला जाता है लिम्फ, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिम्फ, लिम्फ क्या है, लिम्फ कुछ नहीं है और होने को तो बहुत कुछ है। लिम्फ की अगर मैं बात करूं तो लिम्फ क्या है, जो कैपिलरीज की वॉल्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट थे, कैपिलरीज की वॉल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स छिद्र प्रेजेंट थे, ठीक है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कुछ अमाउंट प्लाज्मा की
कुछ अमाउंट प्रोटीन की, कुछ अमाउंट ब्लड सेल की इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर और इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर टिश्यू के अंदर छोड़ दी जाती है और वो क्या बनाती है, लिम्फ बनाती है या फिर उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूड। तो टिश्यू फ्लूड या फिर लिम्फ क्या है, तो ये वो चीज है कैपिलरीज की वॉल के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, पोर्स हैं, उनके थ्रू थोड़ा बहुत प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल ये इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर एस्केप होंगी टिश्यू के अंदर जो कि लिम्फ और टिश्यू फ्लूड बनाएंगी। ये प्लाज्मा के सिमिलर रहता है, प्लाज्मा के जैसा रहता है लेकिन ये कलरलेस है, लेकिन ये क्या है, कलरलेस है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है और प्लाज्मा के कंपैरिजन में लेस प्रोटीन इसके पास है, कंटेन लेस प्रोटीन। होता क्या है, देखिए लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ जो है वो मतलब लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर अपना सिस्टम छोड़ देता है जो कि इंटरसेलुलर स्पेस से इसने लिया, ठीक है। अब ज्वाइंट टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल और ये लार्ज लिम्फ वेसल बना देगी और ये लार्ज लिम्फ वेसल फाइनली ओपन हो जाएगी लार्जर वेन्स के अंदर, लार्जर वेन्स के अंदर। अब कई बार कह लेते हैं कि लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ का काम क्या है, तो ये देखिए लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ क्या करता है, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट की हुई और अब्सॉर्ब्ड की हुई फैट है वो ड्रेन कर लेगा और मतलब उसको कैरी करेगा और जो एक्सेस फ्लूइड है उसको भी ड्रेन्स कर लेगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर से और फिर उसको वापस बैक इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर छोड़ देता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो फोर्थ पार्ट था, ये हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ पार्ट हमारा आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट आएगा। तो ये हम देख पा रहे हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, आपने भी देख लिया, हमने मेनली हार्ट को पढ़ा, आज हार्ट के बारे में सारा सिस्टम हमने पढ़ा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए। और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जिन बच्चों को, जिन छात्र छात्राओं को, जो बेचारे बेचारे गरीब हैं, बेचारे जिनके पास मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए फ्री सुविधा है, तो इसलिए प्लीज उनको शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उन बच्चों का भला हो पाएगा, यही हमारी दिल से एक कामना रहती है कि उन बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएं। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा क्या कुछ रहता है, लेकिन हमें सिर्फ इतनी कामना है कि उन बच्चों तक ये वीडियोस, ये लेक्चर्स पहुंच पाए ताकि वो बच्चे भी पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। समाज के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास हम ये पहुंचाना चाह रहे हैं, तो प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ करके आपको कहता हूं कि उन बच्चों के पास इसको पहुंचाइए जिनको इसकी रियल में जरूरत है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।